वाह कितना सुंदर है ना। तवांग जाने से ये खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा। गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स, थोड़ा आगे आ जाओ। वैसे आप लोग सबको मालूम है फिलहाल हम लोग है तवांग में। तवांग एक्चुअली क्या कहते हैं, इस जगह का नाम है खिमू। तवांग तो बाजार एक जगह है उसका नाम है। वैसे ये तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है हम लोग अभी, ठीक है। और आज हम लोग यहाँ से जा रहा है बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस, ठीक है। जगह के नाम एडवांस में नहीं बताऊंगा वरना आप सब बोर हो जाएगा। और उस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में जाने के लिए किन चीज़ों का हमें सामना करना होगा या फिर क्या क्या चीज़ें आपको फेस करना होगा, है ना। चलो जाके देखते हैं रास्ता कैसा है वहाँ का, और ये जहाँ हम जा रहे हैं वो टूरिस्ट प्लेस कहने का लायक है कि नहीं वो भी पता करते हैं। लेट्स गो। शायद ड्राइव वो बाय करेगा, मैं आगे में बैठता हूँ। आ जाओ। देखो यहाँ में भी रिवर है, 1 किलोमीटर थोंगलिंग, 1 किलोमीटर लुमला आने से पहले आपको थोंगलिंग में पहुँचेगा लगता है। और थोंगलिंग 1 किलोमीटर है। ओहो ये क्या है, हॉर्न मारो बोल के सिंबल दिया हुआ है। सिटी में हॉर्न मत मारो बोल के सिंबल दिया होता है। मौसम थोड़ा साफ हुआ है, आपको रास्ता का नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ से लगभग लुमला 8 किलोमीटर, ठीक है। लुमला तो हम जा रहे हैं पर क्यों वो वहीं जाके आपको पता लगेगा, ठीक है। चलो मंगथम का शेयर करते हैं मेरे बेटी के घर। आजा मंगथम, खूबसूरत वहाँ आजा। पहाड़ है, झरना है, और लुमला यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर है। बस हम लोग यहाँ मंगथंग में घूमने आया है ना बेटी। अब यहाँ से हम लोग जाएगा लुमला। लुमला कितने किलोमीटर है बेटी? बस 3 किलोमीटर है। चलो वापस चले। लुमला पहुंच गए हम लोग अभी। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, यहाँ पे लिखा है लुमला, ठीक है। लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं वो लगभग 2 किलोमीटर और होगा यहाँ से, ठीक है। एंड अभी थोड़ा मार्केट दिखाएगा आपको लुमला का, उसके बाद वहाँ जाएंगे, ठीक है, जहाँ हम जाने के लिए आए हैं, मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस। यहाँ से आपका शुरू होता है लुमला बाज़ार। गए कम आजा छोड़ी आजा आजा। ये है मेन एंट्रेंस गेट। क्या लिखा है? मैन डोमा लखंग, ठीक है। 1 2 रेडी एंड 3 गो। मेरा पीछे आप देख सकते हैं थोड़ा मौसम जो है फॉगी पड़ा हुआ है ना, इसी वजह से आपको खूबसूरत नज़ारा इतना अच्छी तरह से मैं दिखा नहीं सकता। अदरवाइज ये फॉगी उड़ जाता यानी फॉगी नहीं होता तो बहुत मज़ा आता देखने को ना। काश फोगी ना होता। देखो फिर भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत नज़ारा आपको दिखा सकता हूँ मैं। पूरा फोग से भरा पड़ा है। अदरवाइज इंच का जो
जो भी टाउनशिप्स है ना वो बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं यहाँ से। कोई भी टेंपल में जाते हो तो आप शू खोल के जाना चाहिए। ऐसे नहीं ऐसे नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नमस्ते नमस्ते। ओमाने पे मैं हूँ बराबर। ये जो मनस्ट्री है आपको लुमला में पड़ता है, ठीक है। और इस लेकिन जो ये स्पेशली जो टेंपल बनाया गया है, सॉरी टेंपल नहीं, इसको उसके ऊपर जो है वो स्टैचू डोनमा का स्टैचू है, यानी तारा देवी का स्टैचू है, ठीक है। ये है हमारा दिया का रूम, यानी तिबारिन में बोलते हैं चिमेखांग लैम्प ऑफर सेंटर, ठीक है। दिया जलाते हैं। ये टूरिस्ट प्लेस कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ, ठीक है। और यहाँ आने का क्या दुविधा हो सकता है बोलने से, पहला दुविधा रास्ता थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा ख़राब है, कहीं कहीं ना अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दूसरा दुविधा ये है कि फॉग पड़ता है, ठीक है, और कुछ नहीं बाकी ठीक है सब कुछ। और ये टूरिस्ट प्लेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टिकट चार्ज नहीं लगता, ठीक है। अभी हम यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद अब हम जा रहे हैं वो रास्ता से जिसे जिमीथांग बोलते हैं। वो जिमीथांग में क्या है बोलने से, जैसे कि अपना काठमांडू में बड़ा सा एक स्टूपा है ना, जैसे बौद्धा करके, आप लोग नेपाल से हो तो पता होगा बौद्धा करके ना, वही बौद्धा स्टूपा सेम टू सेम एक टू यहाँ पे है अरुणाचल में जिमीथांग में। और इसका एक और एक सेम टू सेम कहाँ पे, वहाँ पे भूटान में, एक अरुणाचल में है, एक भूटान में, एक नेपाल में। तो नेपाल वाला तो हम लोग विजिट कर लिया, अभी अरुणाचल वाला विजिट करने जाना है। तो उसके लिए रास्ता देखो, वहाँ से गुजरना है, ये जो नज़र है ना आपको, शायद आपको नज़र आ रहा हो, वहाँ से रास्ता जाना है ऐसे करके। तो अभी हम जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं यार थोड़ा फॉग कम हो जाए, फॉग बहुत ज़्यादा चल रहा है, देखो ऐसा बुरी तरह से फॉग चल रहा है जैसे कहीं आग लगा के धुआं निकल रहा है। एनीवे लेट्स गो। और यहाँ का दर्शन कर लिया, ये डोमा का, सॉरी डोमा लाखंग, ये तिबारिन लैंग्वेज से बोलते हैं हमारा बुद्धिस्ट लोग। और तारा देवी का हमने कर लिया दर्शन। लखपटे वाओ, देखो यहाँ का लोकल लैंग्वेज समझता है इसको, लखपटे ले 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 ले। क्या वाला नाम, पिंकी। पिंकी हाँ, इनका नाम पिंकी है। और ये इन्हें यहाँ का लैंग्वेज समझ में आता है, यानी लोकल लैंग्वेज। हाँ, और बारिश गिरने से ये मंगलों के लिए छाता वगैरह लेकर आते हैं बोलते हैं, छतरी यानी अम्ब्रेला। नाइस टू मीट यू पिंकी।